नमस्कार दोस्तों, फेडरल बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.2% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से देखेंगे स्टॉक में एक तेजी का मोमेंट बना हुआ है, क्लियर ऊपर बढ़ रहा है। सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा, गिरावट आएगा तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। नोटिस कर सकते हो फेडरल बैंक शेयर काफी समय तक यहाँ पर एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा था, अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके स्टॉक यहाँ पे एक हायर है का कंडीशन बना के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया 207 रुपये को और एग्जैक्टली देखें तो स्टॉक यहाँ पर क्लियरली एक अप ट्रेंड में भी कंटिन्यू कर रहा है। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखें तो यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट बना रहा है और अपने प्रीवियस का जो सपोर्ट लेवल था स्टॉक ने इसको ब्रेकडाउन किया था, दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने 207 का है। जब 207 को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में शानदार तेजी का मूवमेंट बनेगा। टारगेट की बात करें कि इस लेवल के ऊपर हमारे लिए क्या क्या टारगेट इंपॉर्टेंट होने वाला है तो देख सकते हो, पहला टारगेट आपके सामने 223 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 248 का, तीसरा टारगेट आपके सामने 274 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपके सामने रहेगा 290 का। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।